जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फौजी मेहता अकेडमी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो मैं बुक्स बता रहा हूं ये बुक्स आपके पास में होनी चाहिए। एसएससी जीडी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, आप चाहते हो कि एसएससी जीडी में आपको अच्छा मुकाम मिले, अच्छे नंबर आए, अच्छा पेपर फाइट कर सको आप, और मतलब आपका नंबर 100% श्योर हो सके, तो दोस्तों कुछ बुक्स मैं आपको इस वीडियो में सजेस्ट करूँगा। बहुत सारे बच्चों की डिमांड रहती है, अलग अलग DM भी करते हैं इंस्टाग्राम पे और भी फेसबुक पे मैसेज करते हैं, और बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमको कौन कौन सी बुक्स लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो नए आए हैं कंपटीशन में उनको नहीं पता कि कौन सी बुक्स उनके लिए बेटर होगी। और वैसे आज मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे एक राकेश यादव की जो नोट्स वाली बुक है वो डाली है, जो बच्चे अभी टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े वो जुड़ जाइए। उधर मैंने राकेश यादव की टेलीग्राम पे बुक डाली है पूरी की पूरी, और भी जो PDF बुक होगी वो मैं आपको ज़रूर टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करूँगा। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको जो बुक बताने जा रहा हूँ दोस्तों, ये बुकें आपके पास में होनी चाहिए, और मैं कोशिश भी करूँगा कि इनमें से कुछ बुक जो आपको PDF के रूप में दे सकूँ वो ज़रूर मैं आपको PDF के रूप में टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर दूँगा, ताकि उसका आपको कोई चार्ज नहीं लगे। जैसे मैंने एक मैथ की बुक सेंड कर दी, GK की भी मैं जल्दी कोशिश कर रहा हूँ PDF की बुक प्रोवाइड करने की आप सभी को। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें SSC GD को, आप सभी को पता है इसका जो लेवल होता है वो 10th क्लास का लेवल होता है, और मार्केट में जितनी भी बुक आती है एक कंबाइंड जो बुक आती है इन्हें सभी के लिए अलग अलग, एक यानी मैथ की अलग, रीजनिंग की अलग, GK की अलग, और हिंदी की अलग अलग जो बुक आती है दोस्तों, उनमें ऑल ओवर जो कंपटीशन के लेवल है यानी सभी कंपटीशन के लेवल का मैटर दिया हुआ रहता है। किसी एक पर्टिकुलर मैटर नहीं दिया रहता, चाहे SSC GD के लिए या रेलवे के लिए स्पेशली उनमें मैटर नहीं देते। ये जो मैटर होते हैं वो है गाइड बुक में दिए जाते हैं। एक मैं आपको बुक बता रहा हूँ, जैसे दोस्तों ये है गाइड बुक, एग्ज़ाम कार्ड की गाइड बुक है, इसमें जो पूरा मैटर दिया हुआ है वो पूरा का पूरा SSC GD के लिए दिया हुआ है, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, GK हो, उसमें जो लेवल दिया है वो लेवल केवल SSC GD के लिए ही है। बाकी जो आप अलग अलग जो बुक खरीद रहे हो वो अलग अलग, उसके बारे में आपको बताऊंगा, जो अलग अलग आप खरीद रहे हो उनको किस प्रकार से पढ़ाई करें और कौन से आपके लिए बेस्ट होंगे। लेकिन अगर आपने गाइड बुक अभी तक नहीं खरीदी है तो दोस्तों गाइड बुक खरीद लीजिए, बहुत ही अच्छी गाइड बुक है। इसका लिंक भी मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन पे, अमेज़न से जाके आप खरीद सकते हो, सब जगह इसकी डिलीवरी अवेलेबल है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी है गाइड बुक। अब अगर बात करें अलग अलग बुक की, तो आपके पास में कौन सी बुक होनी चाहिए, उसमें एक चीज़ मैं एक और ऐड कर देता हूँ इसी में, एग्ज़ाम कार्ड की एक बुक और, जिस जो मॉडल पेपर की ओल्ड पेपर की बुक है दोस्तों, उसके बारे में मैं आपको बोल चुका हूँ कि वो बुक भी आपके पास में होनी चाहिए, क्योंकि उसमें ओल्ड पेपर दिए हुए हैं, साथ में दिए हुए हैं मॉडल पेपर, तो मॉडल पेपर से आप अपने आप को जान सकते हो, ओल्ड पेपर से आपको पता चलेगा कि इसका सिलेबस कैसा है। ये दो बुक तो आपके पास में होनी चाहिए, क्योंकि ये स्पेशली SSC GD के लिए। अब बात करते हैं अलग अलग सब्जेक्ट की, तो दोस्तों मैथ के लिए एक बुक मैंने टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दी है पूरी की पूरी PDF के रूप में, राकेश यादव की हिंदी नोट्स वाली जो बुक है उसमें अंक गणित का लेवल बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है, बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है, वो बुक पूरी की पूरी टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दी, ठीक है। जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े वो जाके जुड़ जाइए और वो बुक अपनी ले लीजिए, ठीक है। उसके अलावा दूसरी जो मैथ के लिए मैं बुक रिकमेंड करता हूँ, रामनिवास माथुरिया की जो बुक है वो आप ले सकते हो, बहुत ही अच्छी बुक आती है। लेकिन दोस्तों उसमें से आप अंकगणित ले, और अंकगणित का ही वही पार्ट ले जो 10th लेवल का होता है, ठीक है। अंकगणित में भी वो बुक ऑल कंपटीशन के लिए है, तो उसमें बहुत सारे हार्ड डिफिकल्ट क्वेश्चन भी दिए हुए रहते हैं, आपको उनसे ज़्यादा ताल्लुकात नहीं रखना है। आपको ओल्ड पेपर की जो मैंने बुक बताई थी एग्ज़ाम कार्ड की, वो इसीलिए बताई थी कि आपको उससे पता चलेगा कि SSC GD का लेवल क्या है, तो उसके लेवल की ही प्रैक्टिस करें आप उस बुक से, यानी अंकगणित के ही आते हैं, आप सभी को पता है एडवांस मैथ SSC GD में नहीं आते। तो रामनिवास माथुरिया की भी, RS अग्रवाल की थोड़ी सी टिपिकल पड़ जाएगी बच्चों के लिए, कुछ बच्चे साइंस मैथ वाले वो उनके लिए ठीक है, लेकिन बाकी बच्चों के लिए थोड़ी सी टिपिकल पड़ जाएगी, तो वो मैं ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा। इन दो बुक में से एक तो मैंने प्रोवाइड करा दी टेलीग्राम ग्रुप में, कोशिश करूँगा दूसरी भी मैं आपको PDF सेंड कर दूँ टेलीग्राम ग्रुप में, तो ये दो बुक आप वहाँ से ले सकते हो टेलीग्राम ग्रुप से। स्टडी गाइड मैंने बताई थी, इसके बाद में आते हैं GK के लिए लूसेंट की बुक बताई है। तो दोस्तों लूसेंट की जो बुक है वो भी सभी कंपटीशन के लिए बनाई गई है, लेकिन उसमें क्या जो मैटर दिया हुआ रहता है थोड़ा सा स्पष्ट, दूसरा एक कहने का मतलब हो गया बिल्कुल क्लीन है, यानी उसमें मिस्टेकें बहुत कम है, बहुत कम गलतियां हैं, तो वो उस हिसाब से बहुत बढ़िया बुक है, और वो आपके पास में होनी चाहिए अगर आप SSC GD की तैयारी कर रहे हो। उसमें से आप पढ़ाई करिए GK की, ताकि आपको GK उससे बाहर, लूसेंट से बाहर कुछ नहीं आता, ठीक है। अगर आपने लूसेंट की बुक पढ़ ली GK की, तो उससे बाहर कुछ नहीं आता दोस्तों, यानी बहुत अच्छी GK दी हुई है और काफ़ी समय से वो हिट रही है मार्केट में, तो आप लूसेंट की गाइड ले सकते हो थ्योरी वाली। अब और अगर आपको GK की बुक लेनी है तो दोस्तों एक छोटी छोटी जो बुक आती है ना स्पीडी वाली, यानी स्पीड क्वेश्चन वाली, यानी सीधे जो क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं 5000 क्वेश्चन, 10000 क्वेश्चन, वो बुक भी आप पढ़ सकते हो, ताकि उससे क्या आपका रिविज़न भी होता रहेगा, आप अपने आप को जाँच भी सकते हो। उससे क्या होगा, उससे बाहर बहुत सारे क्वेश्चन है जो सीधे सीधे आते हैं SSC GD में लेवल, इसका आप सभी को पता है थोड़ा सा कम है बाकी कंपटीशन के बजाय, तो वहाँ पे भी वो बुक आपको काम में आएगी,
इसके अलावा जीके के लिए ये दो बुक ले सकते हो, एक लूसेंट की वस्तुनिष्ठ की भी बुक आती है वो भी ले सकते हो, लेकिन अभी कोशिश करें थ्योरी वाली बुक ले, और वो स्पीडी वाली छोटी वाली बुक अगर आप लेना चाहो अभी या बाद में लेना चाहो तो बाद में ले लेना, कुछ दिन बाद में। अब बात करते हैं मैथ हो गई, रीजनिंग के लिए दोस्तों, रीजनिंग की वैसे तो कोई भी बुक ले लो, रामनिवास मथुरिया की भी आती है, किरण पब्लिकेशन भी आती है, राकेश यादव की भी बुक आती है, और भी मार्केट में रीजनिंग की अगर कोई भी बुक है वो ले सकते हो आप। रीजनिंग के लिए स्पेशली कोई मैं बुक आपको नहीं बोलूँगा, क्योंकि रीजनिंग का जो लेवल है आप सभी को पता है, इसमें आपका दिमाग का लेवल जांचा जाता है, ना कि कोई फॉर्मूले ये। तो रीजनिंग की आप कोई भी मार्केट में बुक हो अच्छी वो ले सकते हो, आपके आसपास में जो भी अवेलेबल हो वो बुक आप रीजनिंग की ले सकते हो। हिंदी के लिए दोस्तों, अगर हिंदी की बात करेंगे हिंदी की कौन सी बुक है, तो प्रेजेंट टाइम में हिंदी के लिए एसएससी जीडी के लिए स्पेशली बहुत सारी बुक आ रखी है, तो फिक्स तो मैं नहीं सजेस्ट कर पाऊंगा कि आपको हिंदी की फिक्स कौन सी बुक लेनी है, क्योंकि हिंदी का जो सिलेबस है वो 10th क्लास का है, तो बहुत ही मतलब नॉर्मल सिलेबस है। उसमें लूसेंट की भी हिंदी की बुक आती है, लेकिन वो मैं आपको नहीं बोलूँगा क्योंकि वो थोड़ी बोरिंग सी टाइप की है। हिंदी की थोड़ी अट्रैक्टिव टाइप की बुक लेना जिसमें नॉर्मल लेवल दिया हो लेकिन पढ़ने में अच्छी लगे, वो लेना, क्योंकि लूसेंट की जो बुक है वो बोरिंग सी लगती है हिंदी की, तो उसकी बजाय आप वो बुक लेना जिसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट दिया हो। तो क्योंकि हिंदी की इस प्रकार की मार्केट में बहुत सारी बुक आ रही है अलग अलग पब्लिकेशन की, तो उनमें से आप कोई भी ले लेना, क्योंकि हिंदी की बुक है आपको देखते ही पता चल जाएगा कि इसमें आपको इंटरेस्ट रहेगा पढ़ने में, तो इंटरेस्टिंग बुक लें हिंदी की, क्योंकि साफ सो स्पष्ट लिखा हो वो। बाकी जो लूसेंट की हिंदी की बुक आती है छोटी सी, वो थोड़ी सी बोरिंग टाइप की है, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। बाकी आप हिंदी की उनमें से कोई भी अच्छी सी बुक ले लीजिए 10th लेवल की, और उससे तैयारी करिए। दोस्तों अगर ये बुक अभी आपके पास में प्रेजेंट टाइम है, आगे और भी कुछ बुक्स आपको खरीदनी पड़ेगी, वो समय समय पर आपको बताऊँगा, जैसे जैसे एग्ज़ाम के आप नज़दीक पहुँचोगे आपको समय समय पर बताऊँगा कौन सी बुक आपको उस समय लेनी चाहिए। बुकें बहुत खरीदनी पड़ेगी क्योंकि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम ऐसे फाइट नहीं हुआ, आप चाहते हो एक ही बुक से पूरा हो जाए काम, तो ऐसा नहीं होगा, और भी बुक लेनी पड़ेगी। लेकिन अभी के लिए, अभी जो समय, इसके लिए ये आपके पास में बुकें होनी चाहिए। अगर ये बुक है तो आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे, आप एसएससी जीडी में अपना नंबर अच्छे ला सकते हो, अपना मुकाम फिक्स कर सकते हो, अपनी सीट पक्की कर सकते हो दोस्तों। तो ये बुक आपके पास में होनी ही चाहिए, ये बेस्ट बुक है जो मैंने बताई आपको, ये बेस्ट बुक है एसएससी जीडी के लिए। अगर आप चाहते हो हिंदी के लिए भी मैं बताऊं तो ठीक है, मैं टेलीग्राम ग्रुप में हिंदी की भी एक या दो बुक की पीडीएफ कोशिश करूंगा डालने की, या उनकी फ़ोटो डाल दूंगा, वो आप परचेज़ कर लीजिए। मैं आपको उसके बारे में भी अच्छे से, थोड़ा मैंने अभी हिंदी की बुक का कोई रिविज़न या प्रिव्यू नहीं किया है, तो अच्छे से मैं चेक करके बता दूंगा आपको हिंदी की बुक के लिए भी। दोस्तों जय हिंद जय भारत।